फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं मॉल। मैं क्या पहनी हूँ? मैंने आज ये ड्रेस डाला है, ये ऑफ शोल्डर ड्रेस है। इसको आप ऐसे भी पहन सकते हो और ऐसे ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हो। और ईशानी से हाय, एंड दिस इज जेनी। और मेरे पति देव कहाँ हैं? अच्छा, ये आए। हाय हाय, हेलो। चलिए अब चलते हैं। Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. तुम्हारे पीछे पीछे आ रही क्या गाड़ी? बंद कैसे हो गया? लेकिन पूरा ये तो पूरा अंधेरा है। अरे ऐसा कैसे हो गया? अपडेट भी नहीं है। फ्रेंड,
बहुत बुरा हुआ यार, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं अपने बाल कटाने आ रही थी, मुझे आज मेरे बाल कटाने थे, बट ये देखिए मॉल बंद हो गया है, प्रॉपर ताला पड़ा हुआ है मॉल पे, और बाकी सब चल रहा है। ये देखिए सब चल रहा है, सिर्फ बंद है तो मॉल बंद है। ये देखो पानी भर गया उसमें, दुकान में पानी भरा है। भैया ये कैसे भर गया? पानी भर गया कैसे यहाँ से? अरे बाप रे, कितना सारा पानी है। आओ, ये तेरे लिए मैंने स्विमिंग पूल बनाया, मालूम है क्या? मैंने बोला स्विमिंग करेंगे यहाँ से। ये अच्छा लग रहा है? ये भी भी अच्छा लग रहा है। यही वाला ड्राइवर को आने को मना करूं क्या? अरे उनको बोलना है अंकल आने वाला है। अच्छा लग रहा है? ब्लैक कौन, ये अच्छा लग रहा है अंबर, ठीक हां। बाकी ये डेली यूज वाले हैं, डेली वेयर के, ठीक है? हां इन्हें ठीक है, चलो ये ले लो। लाओ एक वो वाला नहीं लिया, वो वाला वो जो एक था शेर टाइप का देते हैं, ये इसको ऐसे पहनो, ऐसे पहनो। ए बेटा सामने से ले पूरे को। वाव वाव, अच्छा लग रहा है, ठीक है बस। तुम ये पहनोगे तो जेनी ये पहन लेगी, तुम ये पहनोगे तो जेनी ये पहन लेगी, ठीक है? हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हम मॉल के बाहर बैठे हैं, मॉल का दरवाजा बंद है। आज मेरा अच्छा पोपट हो गया है, आज मैंने सोचा था कि शायद मैं मॉल जाऊंगी इतने दिनों बाद, आज मुझे बाल कटाने का भी मन था, बट मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। और ये मेरी छोटी वाली सो गई है। फ्रेंड्स मॉल इसलिए बंद है क्योंकि मॉल के जितने भी काम करने वाले बंदे हैं किसी को भी वैक्सीन नहीं लगी है, और यहाँ पे छापा पड़ा था और पता चला कि वैक्सीन नहीं लगी है, तो इसलिए मॉल बंद है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कि अगर आपने नहीं लगवाई है तो प्लीज़ 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 लगवा लीजिए, क्योंकि ये हम हमारे लिए तो कर रहे हैं ना, इसे किसी और को तो बेनिफिट नहीं होगा, है ना? पहला बेनिफिट तो हमको होगा। तो यस फ्रेंड, तो खैर हमने मॉल ना जाके लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया, मैंने आपको वीडियो में दिखाया लोकल मार्केट, तो बस उसी को एक्सप्लोर किया हमने। और ईशानी के लिए कुछ टॉयज लिए हैं और हेयर बैंड्स लिए हैं, बहुत सारी क्योंकि मेरे आँख में बहुत सारे बाल आते हैं। इनके आँख में बहुत सारे बाल आते हैं, ये तो पुराना है, पुराना हो गया अब ये, और अभी नई लिए हैं, सामने वो निकलने वाला आता नहीं, जिस पे बहुत सारे 10-3 लोग होती है वो क्लाइंट होते हैं। ये टॉय लिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। एक तो बेसिक अपना है सांप सीढ़ी वाला, वो लिया है लूडो एंड सांप सीढ़ी। हम लोग अब यहाँ पे वेट कर रहे हैं ओला का,
हमने ओला बुक कर दी है लेकिन अभी तक आई नहीं है। हम वेट कर रहे हैं, मॉल के बाहर बैठे हैं और बाहर बारिश भी हो रही है। दिखाऊं मैं बाहर का? देखिए बारिश इतनी हो रही है कि पूरे बेख रहा है। कह रही है शेल्टर लगा है ना ये मॉल का, तो इसीलिए थोड़े से जीनों पे पानी नहीं आ रहा। ये तो हम जीने पे बैठे हुए हैं और वो देखिए कितनी वहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है। वो ईशानी के डाडा खड़े हैं, वेट कर रहे हैं ओला का। देखिए अभी भी बिजी रोड है। ईशानी का बहुत फेवरेट है, जहाँ देखती है लट्टू हो जाती है। लट्टू 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 ठीक है चलो घर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या सामान लाए, ठीक है। और जो ये लाए थे ये तो आपने देख ही लिया, ये तो पहले निकल गया है, ये इनके हाथ में है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग क्या खाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक ये हेयर बैंड लाई हूँ मैं शानी का, ये बनी के ईयर्स हैं, ये ऐसे ना टर्न भी हो जाते हैं ऐसे, चाहे तो आप ऐसे पहना लो। ये देखिए ये वाला सीधा है, चाहे तो इसको भी टर्न कर लीजिए, तो ये ऐसे कर लीजिए है ना, चाहो तो इसको उल्टा कर लो ऐसे, एक आगे एक पीछे। एक ये है, अच्छा एक ये वाला है, ये भी सेम वैसे ही है, डिफरेंट कलर है थोड़ा सा शेड हल्का सा। एक ये ब्लैक लिया है मैंने, ये ब्लैक वाला नहीं पहनना ये, अच्छा ठीक है। और बाकी ये तीन ले लिए मैंने ऐसे डेली वेयर वाले, मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने ये तीन ले लिए डेली वेयर के लिए। और ये मैं ना कुछ क्लिप्स लाई हूँ अपने लिए, एक ये है एक ये है एक ये है एक ये है एक ये है। और बीबी क्लिप उठा दो, एक ये हेयर बैंड, एक और ये भी लाई हूँ मैं, एक ये है। तो ये सब ईशानी एंड शनी का कलेक्शन है हेयर बैंड का। और ये कुछ टॉयज लाई हूँ मैं, रख दो बाबू वहाँ पे रखो। एक ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक ये कलरिंग मैट वाला एक गेम होता है बच्चों का, वो लेके आई हूँ। इसमें ना ऐसी बड़ी सी एक मैट होगी, ये एक्चुअली मैंने दोनों बच्चों के लिए सोचा है, क्योंकि पहले इसके ना एक छोटे छोटे ब्लॉग्स भी मिल रहे थे कि छोटे छोटे होंगे एंड उसमें आप कलर करो, लेकिन वो फिर मेरा खो जाता इधर से उधर और मेरी छोटी वाली तो आप जानती शैतान है, तो मैं ये बड़ा वाला ले आई हूँ। और इसमें क्या दोनों लोग आराम से कलर कर सकते हैं एट अ टाइम, मतलब एक में ही दोनों लोग। ये है आप ये अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं, बाकी ये है 355 का, ठीक। और एक अपना जो हम बचपन में इतना खेला करते थे, ये लूडो एक ही लिया है मैंने। ये है ये 169 का है, इसमें दोनों हैं, स्नेक एंड लैडर है और ये लूडो है, दोनों ही हैं। तो मेरा बहुत मन था काफ़ी दिन से ये लेने का, मुझे खेलने का बहुत मन करता था तो मैंने ये लिया है। यस फ्रेंड्स, तो मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था और मैंने आपको बताया मैं गई थी बाल कटाने का सोच के, बट आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। मतलब मैं सोच के गई थी मॉल खुला होगा, यहाँ पे हम नागपुर में रहते हैं और नागपुर में हर चीज़ खुली हुई है ना,
लेट नाइट, अब 9 o'clock तक का टाइम हो चुका है, तो मुझे लगा मॉल भी होगा। हम लोग तो आराम से 5:30 बजे निकल गए थे यहाँ से और 6:15 तक पहुँच भी गए थे, बट उसके बाद भी फ्रेंड्स वो बंद दिखा तो मेरे एकदम मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ ना बंद मॉल देख के कि मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ पे बारिश भी हो रही थी और फिर उसके बाद हमने, कोई बात नहीं, हमने लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया, वहाँ पे हमने जो भी थोड़ा बहुत समझ में आए वो ख़रीदा और फिर हम थोड़ी सी विंडो शॉपिंग भी की और मैंने आपको मार्केट भी दिखाई कैसी मार्केट है यहाँ की नागपुर की, वो बर्डी की मार्केट है। अगर नागपुर में किसी को देखना है तो आप देख सकते हो बर्डी की मार्केट कैसी होती है, तो वो बर्डी की मार्केट थी, वो एरिया का नाम है यहाँ पे नागपुर में बर्डी करके, बहुत कंजस्टेड एरिया है, बहुत मार्केट्स लगती हैं, बहुत स्टॉल्स लगते हैं वहाँ पे, दुकानें भी हैं और बाहर भी स्टॉल्स लगते हैं। चलिए फिर, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, प्रतीक्षा बट साइनिंग आउट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।